हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और मैं हूं रजत दीक्षित, सो एक्सप्लोर दीक्षित पे आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे कुल्लू के लिए। सो बेसिकली हमारा टूर कुछ ऐसा है कि हमको कल बिजली महादेव के लिए ट्रैकिंग करनी है और आज हम कुल्लू में स्टे करेंगे। सो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये मेरे कज़िन और ये पीछे अपने भाई हैं, दोस्त हैं साजन, और इनको आप जानते होंगे विवेक दीक्षित, आपने पहले भी इनको काफ़ी ब्लॉग्स में देखा होगा। तो 12:30 हो चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो आइए चलो सफ़र शुरू करते हैं अपना। चलें, ये चामुंडा मंदिर क्रॉस कर लिया हमने, काफ़ी बढ़िया मौसम है। चामुंडा से निकल चुके हैं हम, डार से हम बाया जिया नगरी पालमपुर जा रहे हैं, मंडी पठानकोट। 12:30 हो गए हैं, मंडी पठानकोट NH पकड़ेंगे थोड़ी देर में। इस रास्ते का व्यू बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कभी आप कांगड़ा से पालमपुर जाएं या पालमपुर की तरफ से आपने जाना हो तो ये रास्ता भी आप ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां दिखेंगी आपको इस रोड पे, दिन में कोई नहीं रहता। बड़े बड़े लोग बड़े लोगों के घर ही दिखेंगे, बड़े लोगों के बड़े घर, लेकिन लेकिन घर के अंदर कोई नहीं है। मिलेगा आपको अंदर पड़े हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त कैंपिंग साइट है, बहुत अच्छा ग्राउंड है इस नदी के पास। न्यूगलखट नाम है इसका, और ये जगह है आपकी मैंजा रोड बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे पीछे आपको जू भी मिलेगा, बहुत बड़ी नज़ारे हैं यहाँ के। एक छोटा सा टापू भी है बीच में, यहाँ पे भी आप रात को कैंप फायर वगैरह कर सकते हैं। पहले आप कैंप फायर करेंगे, फिर भालू और मेरे गांव के साथ कैंप फायर करेंगे। तो थोड़ा संभल के कैंप फायर करें। पहले देखें कि टेंट बड़ी जगह लग रहा है, उसके बाद भागने की जगह भी देख लें। रात बरात कुछ भी हो सकता है, तो जाने का रास्ता भी ठीक रखें। दोस्तों, पालमपुर हमने क्रॉस कर लिया है, अब टाइम हो गया 1:20। यहाँ पे वेटनरी कॉलेज के पास एक बर्गर बनाने वाला है बंदा, बहुत स्वाद बर्गर बनाता है, प्लीज़ आप ज़रूर आकर खाएं। मैं इसके पास कमीशन तय करके आया हूँ। जैसे जैसे आप बर्गर खाते रहेंगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरे को कमीशन मिलेगी। हमारे चैनल का नाम बताना ना भूलें इनको, एक्सप्लोर दीक्षित। दोस्तों, अभी हमने जोगिंदर नगर क्रॉस कर लिया है और अभी हम मंडी की तरफ जाते हुए, रोड फिलहाल ठीक है लेकिन आगे जाके सिंगल हो जाएगा। और आज इलेक्शन भी है तो ट्रैफिक थोड़ी कम है। हाँ, इलेक्शन है आज, बाजार वगैरह खाली है। हिमाचल में बायपोल इलेक्शन है और ट्रैफिक भी कम है, दुकानें भी बड़ी कम वगैरह खुली हैं, और एक स्पेशल दुकान वो भी आज सभी जगह बंद मिल रही है। लेकिन हमारे पास स्टॉक है, इसका क्या है? मैं पहले पता था। पता था। तो चलो ठीक है, रोड तो ठीक है, बड़ी है ना, ज्यादा ट्रैफिक है, इसे हमें ठीक होगा। और टाइम हो चुका है अभी, क्या टाइम हुआ, 3:00, 3:10 हुए। हो
दोस्तों मंडी से 16-17 किलोमीटर पीछे हम एक द्रंग नाम की जगह है, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले चुके हैं हम। ये शॉर्टकट है मनाली पहुँचने के लिए। रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इस रास्ते से अगर आप आएँ तो आपकी ड्राइविंग बिल्कुल सेट चाहिए क्योंकि ये सिंगल रोड है और आपका जो ड्राइवर है ड्राइवर को दिखाया जाए ड्राइवर अभी लर्नर है लेकिन फिर भी हैवी ड्राइवर है, हिम्मत रख रहा है। लर्नर भी यही का ही है, पहाड़ी रास्तों का ही लर्नर है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, इस ड्राइवर ने इतनी हैवी थैंक यू का जवाब थैंक यू से भी दिया और गाड़ी साइड में रोक ही दी है ना, और चलाई दी है ना। ये देखिए दोस्तों, मंडी से हम कटोला वाले रास्ते में जो मंडी IIT मंडी वाला रास्ता उसमें आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा उतराई है और यहाँ पे इस रोड पे पत्थर गिरने का भी खतरा है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे रोड के साइड में मशीन्स जैसी लगी हैं। ये देखिए IIT वालों ने बनाई है। अगर कोई स्लाइड का कोई ऐसा चांस बनता है तो यहाँ पे अलार्म बीप करना और लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा है सामने। दोस्तों देखिए IIT कैंपस, बहुत ज़बरदस्त कैंपस बना है। देखिए दोस्तों IIT का सेकंड कैंपस बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। इसको आपको बाहर से नजारा दिखाई देगा। दोस्तों अभी हम मंडी से कुल्लू वाले रास्ते पे जा रहे हैं जो शॉर्टकट है वाया IIT वाले रास्ते पे। पराशर वाला रास्ता हम पीछे छोड़ चुके हैं, उसके बाद ये कुल्लू वाला रास्ता चला हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी ख़तरनाक रोड है लेकिन इस रोड की साइड में अच्छे से क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। काफ़ी सुंदर जगह है ये भी। हेलो दोस्तों, अभी 4:30 होने को आए हैं और अभी हम कहीं इधर पीछे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। ये पीछे दुकान है, ये जो पीछे दुकान है, और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चली हुई है। ठंड काफ़ी है यहाँ पे, गर्मा गर्म चाय और ठंडी ठंडी हवा। और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इस व्यू के बारे में? ये कहना चाहते थे गरम गरम चाय ठंडी ठंडी हवा, आपके आपके बाद साथ और इस मौसम की बात। ठीक है बढ़िया है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, आप शायद ही बहुत देख पा रहे होंगे लेकिन इस टाइम हम काफी हाइट पे हैं। मतलब देवदार के पेड़ थे नीचे, इतनी हाइट पे हैं। और चलो चलते हैं चाय पीते हैं। अब दोस्तों अभी हमने चाय पी ली है और चाय पी के हमें काफ़ी एनर्जी आई है, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमने काफ़ी देर बाद ब्रेक लिया और अब हमने चढ़ाई चढ़ ली थी, अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो ड्राइवर चेंज हो चुका है क्योंकि अब उतरा ही है तो एक्सपीरियंस ड्राइवर के पास हमने गाड़ी दे दी है, चढ़ाई हमने चढ़ ली है। तो चलो चलते हैं, लेकिन व्यू भी काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू है और हमारे दोनों तरफ देवदार के पेड़ हैं और बड़ा ही सुंदर नजारा है। ये आपको भी देख के काफी अच्छा लग रहा होगा। हमारे आगे आगे एक गाड़ी चलती हुई घास की, देखिए बस कुछ ही समय बाद यहाँ पे, मतलब 10-15 या 1 महीने बाद यहाँ पे बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी
क्योंकि ये हम काफी हाइट पे हैं और आप देवदार के पेड़ देख के समझ सकते होंगे, क्योंकि जहाँ पे देवदार के पेड़ होते हैं वहाँ पे बर्फ पड़ती है, पड़ती पड़ती है, क्योंकि ये देवदार के पेड़ लगते हैं ऐसी जगह पे हैं, बाकी और जगह ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, लग नहीं पाते हैं। और सामने देखिए कितनी अच्छी वैली है, और चलो चलते हैं दोस्तों। तो अभी हमने जो एक बाईपास लिया था वो हमने पीछे छोड़ दिया और अभी हम NH पे हैं। हेलो दोस्तों, तो 7 बजने को आए हैं और अभी हम कुल्लू पहुंच गए हैं। मेन कुल्लू बाजार है ये ढालपुर का, जहाँ पे दशहरा होता है। ये कुल्लू का ढालपुर मैदान है, यहाँ पे दशहरा होता है। और ठीक इसी के सामने ये हमारा होटल है, जहाँ पे घर वालों ने बुकिंग कर दी थी। गवर्नमेंट होटल है ये, डिपार्टमेंटल। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको रूम दिखाते हैं। आए कोई अंदर जाके देखो, जाना बोलना भवानी ने गई। गाइस देखिए कितना सुंदर बनाया है ये, हिमाचली कल्चर, कुलवी कल्चर। क्या हुआ गाइस, इस तरह का हमारा रूम है और कल हम बिजली महादेव के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। और इस वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। लाइक शेयर कमेंट, आवाज़ क्या दी, बाय बाय, गुड नाइट।